अब हम जा रहे हैं वैष्णो देवी माता पे। ये ट्रेन से यात्रा हो रही है हमारी, हमने रिजर्वेशन नहीं करा रखी, हमें जरूरी डब्बे में जाना पड़ रहा है। अभी हम बाला स्टेशन से अभी हम निकले ही हैं, तो ये देखिए स्टेशन से हमने निकले हैं, हमें सीट मिल गई है। भीड़ नहीं थी ट्रेन में इतनी, और सुपर फास्ट ट्रेन है, मेन मेन स्टेशन पर रुकेगी, जल्दी टाइम से हमें पहुँचा देगी। ज़्यादा अच्छा नज़ारा आ रहा है। हम जा रहे हैं वैष्णो देवी माता पर बाय ट्रेन। ये देखिए ट्रेन की स्पीड कितनी ज़्यादा तेज है। अब जो है यहाँ से वो आएगा पुल, जो आपको दिखा रहा था, देखिए कितना बड़ा ऊंचा पुल है ये, और पूरी जो ट्रेन है वो यहाँ पर स्पीड से स्पीड में निकल रही है। ये देखिए पुल की हाइट कितनी बड़ी है, बहुत ही ज़्यादा रोमांचक लगी। यहाँ से अच्छी होती है और बहुत ही अलग सा फील आता है किसी ऐसी जगह पर जाते हैं पहाड़ों में। करना एक बहुत बड़ा वो होता है, IRCTC की काफ़ी अंदर सुविधाएँ दी गई हैं, इंडियन रेलवे ने बहुत ज़्यादा यहाँ पर काम किया है। ये देखिए एक और पुल आ गया है, और बहुत ही ज़्यादा एक रोमांचक फील हो रहा है हमें इस ट्रिप पर आने के लिए, और बहुत अच्छा फील हो रहा है। अब आप देखिए फिर एक पुल के ऊपर से निकल रही है ट्रेन। टोटल 30 सुरंगें इस ट्रेन के रास्ते में आपको देखने को मिलेंगी। जम्मू को जैसे आप पार करोगे, उधमपुर, रामनगर और माता वैष्णो देवी के रास्ते में आपको टोटल 30 सुरंगें दिखाई देखने को मिलेंगी, और इन सुरंगों के अंदर ट्रेन 10 मिनट तक वो जो है बाहर नहीं निकलती है, इतनी लंबी लंबी सुरंग से हैं। और बहुत ही एक अच्छा फील होता है, बहुत ही एक मज़ेदार ट्रिप लगती है। और मैंने जो ट्रिप है ये पहली बार जो है मैं ट्रेन से गया हूँ, और बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छा देखने को मिला। ये देखिए ये 8 नंबर की सुरंग अब हमें देखने को मिलेगी, ये देखिए। और जैसी ट्रेन सुरंग में जाएगी बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा। ये जो माता वैष्णो देवी का एंट्री गेट है, यहाँ पर हम आ गए हैं, यहाँ से अब हम एंट्री कर रहे हैं। ये हम बाणगंगा पहुंच गए हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं ये है बाणगंगा। यहाँ पर माता ने बाण मारकर गंगा निकाली थी और यहाँ पर अपने केश धोए थे। जैसे ही आप एंट्री गेट से माता वैष्णो देवी के रास्ते पर चढ़ाई करना शुरू करते हो, तो आपको बाणगंगा सबसे पहले देखने को मिलेंगी। यहाँ पर माता ने बाण से गंगा को प्रकट किया था और अपने केश धोए थे, जैसा कि आप देख रहे हो। मैं यहाँ पर स्नान कर रहा हूँ, पानी बहुत ही ज़्यादा ठंडा था लेकिन बहुत ही ज़्यादा आनंद आया। सारी जो थकान थी हमारी रास्ते की सारी स्नान करते ही उतर गई, और बहुत ही ज़्यादा एक अच्छा फील हुआ। और मैंने यहाँ पर काफ़ी देर तक स्नान किया और बहुत ज़्यादा आनंद आया। ठंड लग रही थी लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा आनंद में लगा। और जैसा आप देख रहे हो पानी पहले से थोड़ा कम था लेकिन मज़ा आ गया। जय हो गंगे मैया, हर हर गंगे, आरती होते हुए बहुत ही आनंद लग रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था आरती के टाइम। गंगा आरती आप देख सकते हो, गंगा आरती हो रही है, बहुत ही ज़्यादा एक आनंद आ रहा है। जय माता की। स्टार्ट कर लिया हमने ट्रैक वैष्णो देवी यात्रा,
2022 अक्टूबर। ये देखिए कितना जगमग जगमग हुआ है, चहल पहल हो रखी है, बहुत ही ज़्यादा आनंदमय है यात्रा। अब हम अर्धकुंवारी पहुंच गए हैं। अभी तक हमने 6 किलोमीटर का रास्ता जो है नीचे से अभी तक अर्धकुंवारी तक कवर किया है। अर्धकुंवारी से भवन का रास्ता 6 किलोमीटर का ही रह जाता है, अभी आधा रास्ता यानी और बचा हुआ है। आपको ट्रैकिंग के समय हर जगह आपको भजन सुनने को मिलेंगे और बहुत ही मन को शांति पहुंचाने वाले माता के भजन जैसे कि आप सुन रहे हो। बहुत ही ज़्यादा आनंद और मेडिटेशन हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा मन में एक आस्था का भाव होता है। ये देखिए लोग चल रहे हैं यहाँ से। भवन कुछ ही दूरी पर रह गया है, अर्धकुंवारी से हम आगे आ गए हैं। ये अर्धकुंवारी से हम आगे आ चुके हैं, देखिए नज़ारा। जय माता दी, जय माता दी। जैसा कि आप देख रहे हैं हमें भवन दिखाई देना शुरू हो गया है और क्या नज़ारा है माता के भवन का, जगमग जगमग हुई हुई है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा है माता के भवन का आप जैसे देख रहे हो। और कुछ ही दूरी पर अब हम रह गए हैं माता के भवन। अब हम भवन पहुंच गए हैं माता के दरबार में। ये देखिए कितनी ज़्यादा जगमग जगमग हुई हुई है, बहुत ही ज़्यादा आनंद आ रहा है और क्या नज़ारा है माता के दरबार का। और बहुत ही ज़्यादा हमें जो है अच्छा लगा और भीड़ काफ़ी है और लॉकर में हमने अभी अपना सामान जमा करवाना है। लॉकर में सामान जमा कराने के बाद नहा कर हम कपड़े चेंज करके फिर माता के दर्शन के लिए लाइन में लगेंगे। बहुत ही ज़्यादा हमें अच्छे और खुले दर्शन हमें माता के हुए। ये सुबह का मौसम है माता वैष्णो देवी में। ये देखिए कितना क्लाउडी मौसम हो रहा है, ये देखिए पूरे क्लाउड्स यहाँ पर आए। बहुत अच्छा मौसम हुआ है, बहुत सुहावना मौसम है। ये नीचे कटरा है, देखिए बादलों के बीच में से कैसे नज़र आ रहा है। देखिए ये देखिए सांझी छत का नज़ारा कितना खूबसूरत है और चारों तरफ जो है क्लाउड्स ही क्लाउड्स हैं हमारे। हमने रात को 2:30 बजे माता के दर्शन कर लिए थे और फिर भैरव बाबा जी के भी दर्शन हमने कर लिए थे और उसके बाद अब हम नीचे उतरते हुए ये देखिए ये जो है सांझी छत पर अब हम पहुँचे हैं। सांझी छत से जो माता के दरबार का जो नज़ारा है कितना सुंदर नज़ारा है। और ये देखिए क्या किस तरह बादलों से जो है माता के भवन के पास से बादल निकल रहे हैं और बहुत ही सुंदर नज़ारा है। इन्हीं पहाड़ियों के पीछे जो है माता का भवन है। ये देखिए क्या सुंदर नज़ारा आपको देखने को मिल रहा है और बहुत ही ज़्यादा जो है ग्रीनरी यहाँ पर जो है हमें मिलेगी देखने को। हमारे को थकावट काफ़ी ज़्यादा हो
श्री वैष्णो देवी माता के पास जो है यहाँ स्टेशन से हमारी कटरा से ट्रेन निकल चुकी है। देखिए 7:55 की ट्रेन थी, बहुत पूरा राइट टाइम चली है, बहुत कम स्टॉपेज है इस ट्रेन के भी, तो ये ट्रेन है ये हमें राइट टाइम पहुंचा देंगी। ये देखिए माता वैष्णो देवी का जो दरबार है कैसे चमक रहा है, चलती ट्रेन में से दिखाई दे रहा है हमें। जय माता की, जय माता की, जय माता की, जय माता की, जय माता की। बोलो सच्चे दरबार की जय। ये देखिए कितना सुंदर नजारा यहाँ से नजर आ रहा है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत। बहुत ही ज्यादा सुंदर कलमिनी पहाड़ियों के अंदर माता के दर्शन के लिए चढ़ाई कर रहे थे, तो आज हम बहुत थके हुए हैं, अब हम घर वापसी जा रहे हैं। बहुत ही ज्यादा आनंद आया, अगर आप सबको वीडियो पसंद आई हो तो एक बार कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और माता में अपनी आस्था बनाए रखें। जय माता दी, कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।